हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डेली डिलाइट विद साथ। तो अभी अभी जो है मैं सो के उठा हूँ, अब फ्रेश होते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और मुझे खुद भी नहीं पता आज मैंने क्या करना है, तो जो मैं करूँगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हाँ तो भाई फ्रेश हो गया हूँ मैं, और अब करते हैं नाश्ता। करते हैं क्या मतलब, यहाँ पे भाई पहले बनाना पड़ता है फिर करना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट नाश्ता करने का कोई सीन नहीं है, तो बनाते हैं नाश्ता पहले। चलें तो भाई आज मैं नाश्ते में बनाने लगा हूँ पराठा। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ, वो मज़े की बात ये है कि कल मैंने तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है वो आटा गूंदा है। टाइम ही नहीं मिल रहा होता था, यही खाओ ब्रेड वगैरह ये वो, तो ये सही है। तो भाई मैंने सोचा फिर आज जो है पराठा भी मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब खाया ना, मतलब वो ये डेढ़ क्या मतलब उसको तो और भी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो मैंने कहा भाई आप लोगों के साथ ये सब शेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा नक्शा बनता है आज। पराठा बनाने के साथ साथ आप लोगों के साथ जो है ना एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा नोट किया है, जो जैसे जो हम बच्चे हैं ना, जो छोटे हैं, जो अभी 5-6 क्लासों में हैं या 8-8 क्लास में हैं, मतलब गूगल इंटरनेट यूट्यूब तो सब यूज करते हैं, लेकिन उनको ना कुछ चीज़ों की इतनी इंफॉर्मेशन होती नहीं है। तो मैं उन बच्चों को ही बताना चाहता हूँ कि भाई इंटर के बाद जो है ना वो लोग भी पढ़ने के लिए जर्मनी आ सकते हैं, इंटर के बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और बैचलर्स के बाद तो मास्टर्स करने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो मतलब लेकिन उसके लिए ये है कि आप लोगों के ग्रेड्स अच्छे हों, आप लोगों ने अच्छा पढ़ा हुआ हो, ताकि फिर आपका आगे एडमिशन हो सके इंटरमीडिएट के बाद भी। तो मैं चाहता ही मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अब आप अगर ये चाहते हैं कि भाई मैं ये भी बताऊँ कि कैसे और क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो किसी और वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन मैंने सोचा एक वैल्यूएबल मैसेज है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ जो है शेयर करूं, ताकि बच्चों को पता हो कि भाई ये चीज़ पॉसिबल है। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे छोटी सी काम करते करते आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अब भाई जल्दी बनाते हैं पराठा जल्दी जल्दी। फुल आपका भी फुल इंटरेस्ट के साथ पराठा बना रहा है इस वक्त, देख सकते हैं आप लोग क्या जबरदस्त आई है लेयर्स। चले भाई अब इसको रखते हैं चूल्हे पे। भाई ये आप देख सकते हैं मेरे पराठे का नक्शा, जो कि इतना खराब नहीं है भाई, इस बात को आप लोग मानेंगे मैंने अच्छा नक्शा बनाया है। अच्छा भाई नाश्ता मैंने कर लिया था, वो मैंने वीडियो उस वक्त में बनानी रह गई, बस जल्दी जल्दी मैंने करो और कर लिया। खैर अब ये है कि भाई मुझे जो है ना किचन समेटना है, मतलब किचन में सारी चीज़ें सेट भी करनी है, बर्तन भी धोने हैं और बहुत सब सेट करना है, और फिर कमरे की सफाई करनी है। इसमें से जो सामान मुझे लगता
लगता है कि उसको धोना चाहिए, उसको हम अलग कर लेते हैं, इधर रख लेंगे, जैसे मैंने ये रख दिया। अब भाई ये सब मैंने निकाल लिए तो भाई मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई जब तक मैं सबको ना धो नहीं लूँ, तो इनको धो के फिर रखेंगे। जी तो ये सब यहाँ धुल के मैंने सुपर तरीके से रख दिया है, कुछ चीज़ें यहाँ रख दी हैं, अब मैं इनको सेट कर दूंगा। तो भाई अब मैंने करनी है पूरे घर की सफाई, यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो अब मैं पहले अब करते हैं सफाई और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। हाँ तो भाई सफाई भी हो गई थी, किचन भी साफ़ हो गया, कमरा भी साफ़ हो गया और मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है आटा गूंदा भाई कि मैं रोटी गूंद के खाना खाऊँ, तो भाई मुझे डबल रोटी ख़त्म हो गई थी, डबल रोटी लेनी है और दही लेना है, वो लेते हैं और खाने के लिए भी कुछ लेते हैं और फिर घर चलते हैं। और अब ज़रा नज़ारे तो चेक करें, ये हमने ली है तो वही दही भी ले लिया है, तो भाई लामागुन भी मैंने ले लिया है नुक्कड़ की दुकान से। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।